देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जौनपुर के शहीद आशुतोष यादव का शव उनके घर पहुंच गया है। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। याद कर रहे हैं लोग उनकी कुर्बानी। बादलपुर थाने के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले आशुतोष यादव जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे। आशुतोष की अभी नई नई शादी हुई थी, शादी को महज 10 महीने भी पूरे नहीं हो पाए थे। आशुतोष यादव केंद्रीय विद्यालय में बीए की पढ़ाई के दौरान साल 2014 में सेना में उनकी भर्ती हुई थी। वो परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और उन पर परिवार की तमाम जिम्मेदारियां थी। क्या चेक देने आएंगे? चेक के भूखे हैं, उनको सामान नहीं मिला 4 दिन से, मर गया ये फिर आएगा क्या? अभी तक यही है कि जब तक नहीं आएंगे तब तक इनकी मांग है कि हम इंतजार करेंगे और डीएम साहब को आना चाहिए था। आज 4 दिन हो गया, आज समय नहीं था डीएम साहब को, तो 4 दिन में क्या समय नहीं मिला डीएम साहब को? अजीत है हमारे साथ जौनपुर से ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजीत, लोगों ने नम आंखों से विदाई तो दी है लेकिन साथ में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है कि कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। जी, आपको बताना चाह रहा हूँ ये बदलापुर थाना क्षेत्र के जो है सुल्तानपुर गांव में जैसे ही आशुतोष यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा तभी के आंखें नम, लेकिन वहीं पर उनको मायूसी भी हाथ लगे, जहां पर उन्होंने NH56 पर उनके पार्थिव शरीर तक चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग है कि जिलाधिकारी यहां पर मौके पर आए, लेकिन अब प्रशासन जो है किसी तरह परिवार वालों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहा है। जी अजीत, मुझे एक बात ये बताइए, जिस तरह से शहीद पूरे देश की एक तरह से जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाते हैं, सेना के ये जवान, देश सुरक्षित रहे, क्या अधिकारियों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि कम से कम शहादत के लिए वक्त निकाल पाए, पहुंच पाए? आपकी बात हुई डीएम साहब से? जी, इसी बात के परिवार वालों को इस दुख है और वहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश है कि जहाँ पर पूरे देश के लिए एक शहीद जो है पूरे देश के लिए शहीद होता है, और क्या अधिकारियों के पास इतना भी मौका नहीं है कि उसके पार्थिव शरीर पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर न पहुंचने से NH56 को जाम कर दिया गया है। कोई वहाँ पर नेता या जनप्रतिनिधि मौजूद है जो इन लोगों से बातचीत कर रहा है? क्योंकि गुस्सा है इन लोगों में कि अभी तक कोई भी अधिकारी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि वक्त नहीं है अधिकारियों के पास। जी, आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की लोकल पुलिस और SP तो मौके पर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कोई जो है जो जिम्मेदार अधिकारी DM होते हैं, क्योंकि DM अभी नहीं पहुंचने से उसी से लोग आक्रोशित है, ना तो कोई नेता वहाँ पर पहुंचा है। जी चलिए अजीत, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। नम आंखों से जरूर विदाई दी जा रही है लेकिन लोगों में गुस्सा भी। तो सबसे बड़े बेटे थे, घर की जिम्मेदारियां भी थी। 2014 में जब सेना ज्वाइन की गई इनकी ओर से, तो शायद आशुतोष को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतना कम वक्त उनको मिलेगा। परिवार में गम है, दुख है, लोगों में नाराजगी है कि क्या अधिकारियों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि देश की हिफाजत करते करते जो जवान शहीद हो गया उसकी शहादत में पहुंच पाए। तो इससे पहले कल शहीदों के शव दिल्ली लाए गए तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
एक तरह से कहें कि पूरे इलाके में आयोजित इस औपचारिक कार्यक्रम में घाटी में तैनात सुरक्षा बलों के तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। मेजर सतीश दहिया, राइफलमैन रवि कुमार, पेरा टूर धर्मेंद्र कुमार और गनर आशुतोष कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। Those who have now graduated to the villages, and as we are conducting operations against them, we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. While our aim has been to conduct people-friendly operations, but the manner in which the local population is preventing us in conducting the operations, at times even supporting the terrorists to escape, and it is these factors that is leading to higher casualties towards the security forces. And all that I can say is, we would now request the local population that people who have picked up arms, and these are the local boys, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. And our relentless operations will continue. तो जाबाजी की ऐसी ही कहानी है सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में तैनात कमांडेंट चेतन कुमार की। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले चेतन कुमार आजकल दिल्ली एम्स की ट्रॉमा सेंटर में मौत से जंग लड़ रहे हैं। दो दिन पहले जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के दौरान चेतन को 9 गोलियां लगी थी। मंगलवार को चेतन और उनकी पूरी टीम को जम्मू के बांदीपुरा जिले में एक सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन में गोलियां लगी थी और इस दौरान एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हो गए थे, लेकिन 9 गोली चेतन को भी लग गई। देश के इस वीर को बचाने के लिए सेना ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। चेतन और उनके साथियों को आर्मी के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन हालत खराब होने की वजह से चेतन को आर्मी एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स की टीम देश के इस वीर जवान की जिंदगी बचाने में लगी है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कल सुबह जब चेतन को इंजरी हुई थी, ही वॉज फाइटिंग फॉर अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑपरेशन इन श्रीनगर वेयर ही सफर्ड 9 बुलेट इंजरीज एंड इवन आफ्टर गेटिंग अ हिट बाय द 9 बुलेट इंजरीज ही वॉज फाइटिंग, ही केप्ट फायरिंग एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग डाउन वन ऑफ द टेररिस्ट देयर and after that a proper care was taken and he was immediately moved from a chopper to the Srinagar airport base, army base, and then from the army base he was picked up with the air ambulance to Delhi. From Delhi we provided, CRPF provided a green corridor till the hospital where the proper care is taking on. He is a fighter, he kept fighting for the nation, now he is fighting for the life. He is a fighter and he will come out of it. और अनुराग चड्ढा ज्यादा जानकारी देने के लिए, अनुराग, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं आप चेतन कुमार की हालत को लेकर? देखिए श्वेता, चेतन कुमार की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। 9 गोलियां चेतन को लगी हैं, मल्टीपल इंजरी डॉक्टर्स ने बताई हैं। और जब उसको एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लाया गया तो सबसे पहले एम्स इमरजेंसी में, और जो एम्स का आईसीयू होता है वहां पर उसको रखा गया। लेकिन जब हालत खराब हो जाती है किसी पेशेंट की बहुत ज्यादा, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना होता है, तो एम्स की ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट को ले जाया जाता है, जहां पर उसका ऑपरेशन, अभी तक 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। कल भी जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ, सुबह 10 बजे शुरू हुआ, फिर उसके बाद 1:30 बजे उसका ऑपरेशन खत्म हुआ। रात के वक्त भी 2 ऑपरेशन हुए और डॉक्टर से मेरी कुछ देर पहले अभी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जो चेतन कुमार है वो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और जिस तरीके से वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, तो उसको देखकर लगता है कि वो वास्तव में एक सच्चा फाइटर है और दुश्मनों के तो उसने छक्के छुड़ाए, साथ में मौत को भी वो मात देने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर इस तरह की जब 9 गोलियां किसी के लगती हैं और खासतौर पर ब्रेन इंजरी उसको हो जाए तो बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि किसी की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन चेतन कुमार की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और जब उसको कोई आवाज देता है तो उसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। बिल्कुल अनुराग, और जिस तरह से दुआएं भी की जा रही है चेतन की जिंदगी के लिए, उनकी सलामती के लिए, ये कहें कि कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से असर शायद दिखा रही हैं और उम्मीदें पूरी हैं। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।